सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एक और पार्ट बताने वाले हैं जो कि है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। तो लास्ट एक वीडियो में मैंने आपके साथ ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक्स इंट्रोडक्शन बताया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है ना। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया था अबाउट द ट्रांजिस्टर। सो आज के वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूंगा कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं लाइक कॉमन इमीटर होते हैं, कॉमन बेस होते हैं, कॉमन कलेक्टर टाइप हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ऑफ द ट्रांजिस्टर उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर हैं कि किस किस तरह से हम सिंबल को एनोटेट करते हैं, हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है हम उसके बारे में भी आज की वीडियो में क्या करेंगे देखेंगे उस चीज़ को कि ट्रांजिस्टर के डिफरेंट सिंबल होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है, किस तरह से करंट फ्लो करता है एक ट्रांजिस्टर के अंदर, है ना। तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे बात करेंगे, द फ्लो ऑफ द ट्रांजिस्टर करंट, है ना। तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा एक ट्रांजिस्टर के अंदर हम उसके बारे में क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। वोल्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि किस किस टर्मिनल में क्या क्या वोल्टेजेस होते हैं, है ना। तो ट्रांजिस्टर में आपको थोड़ा सा डेप्थ मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पूरा ओवरव्यू आपको दिया था, वो भी लगभग अराउंड 20-25 मिनट्स का वीडियो था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको आई टैब में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वो वीडियो को देखना, क्योंकि वो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, उसके इंटरनल फीचर्स बताए थे, आपके जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था तो उसमें मैंने वो चीज़ें कवर की थी। तो आज के वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये आज का मेन हमारा इस वीडियो का एजेंडा है कि इस वीडियो में हम इतने कोशिश करेंगे कि इतने टॉपिक को कवर करें कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा अब तक नॉलेज शेयर करें, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं अबाउट द ट्रांजिस्टर, कि कितने तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिक, जो हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा NPN ट्रांजिस्टर और एक होता है PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिलते हैं। सो NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है बेसिक, तो ट्रांजिस्टर जो आपका बनता है वो बेसिक जो बनता है आपका वो डायोड से बनता है, क्योंकि बट ये प्रॉपर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये डायोड से ही बनता है, बट ये एक प्रॉपर्टी है जो डायोड की, जिसको कि हम यूज़ करते हैं कहाँ, ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। तो आज के टाइम्स में अगर आप VLSI वगैरह देखोगे तो VLSI के भी अलग अलग, जब VLSI में जाओगे तो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे हमारे पास डिफरेंट लेवल होते हैं, जैसे लो इसके LSI हो गया, MSI हो गया, है ना, फिर होता है VLSI हो गया। तो हमारे पास ये चीज़ें देखने मिलती हैं, है ना। लो स्केल इंटीग्रेशन होता है, मीडियम लेवल इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। सो ये क्या है बेसिक, एक ट्रांजिस्टर का पैकेज है जहाँ की मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बट ये हमारा अभी पार्ट नहीं है, तो हमारा जो पार्ट है वो है बेसिक क्या, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक कोर है आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। इधर मैं बात करता हूँ तो एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर। क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप पढ़ते हो लाइक लॉजिक गेट्स पढ़ते हो, एंड गेट, नॉर गेट, उसके बाद आप मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, आगे जाकर के आप फिर मल्टीवाइब्रेटर वगैरह के बारे में स्टडी करते हो, है ना। लॉजिक गेट्स, मेमोरी पढ़ के बारे में पढ़ते हो कि मेमोरी किस तरह से डिज़ाइन होती है, उन सभी का जो फंडामेंटल है, जो रूट है, वो क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो बेसिक हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, दैट इज NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। सो अगर दोनों का अगर मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो क्या होता है बेसिक, तो NPN ट्रांजिस्टर का कुछ इस तरह का होता है, ये है हमारा बेस और यहाँ से ये हमारा निकलेगा दैट इज इमीटर, और ये हमारा इस तरह से जाएगा, ये होगा हमारा कलेक्टर, ठीक है। तो बेसिक जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो क्या है, 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइसेस हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर को, जो बेसिक डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, सो ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच हैव 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्मिनल होंगे और 2 जंक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो बेसिक ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है अबाउट द NPN ट्रांजिस्टर। और वहीं अगर मैं PNP ट्रांजिस्टर के बारे में बात करता हूँ तो PNP ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का हमें देखने के लिए मिलता है, ये होगा बेस और ये हमारे होंगे इमीटर और ये हमारे होंगे बेसिक क्या होंगे, कलेक्टर,
ठीक है, तो तीन टर्मिनल यहाँ पे हुआ। बट अब देखो यहाँ पे मैंने एरो मार्क किया था, यहाँ पे एरो मार्क नहीं किया था, तो यहाँ पे जो एरो होगा वो कहाँ होगा, अंदर के साइड होगा, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारा होता है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हो सकता है कि इस सिंबल को क्या किया जाए, इसी सिंबल को कुछ इस तरह से भी बना दिया जाए, ठीक है, यहाँ से बना दिया जाए, ठीक है, और ये आपको एरो यहाँ से दे दे। तो अब आपको क्या देखना है कि एरो जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिक इमीटर को, टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा इमीटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से सिंबल में, अब जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख लिए इमीटर है, तो किसी सर्किट में अगर ये दे दिया तो आप नीचे वाले को इमीटर ले लोगे, नहीं, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे बेसिक आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है इस इमीटर के जो हमारे एरो हैं, ये एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एरो जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इमीटर टर्मिनल, और इस टर्मिनल का बेसिक जो मीनिंग होता है, और ये पीएनपी में जो होता है वो अंदर के साइड होता है। मतलब क्या हो रहा है इसका बेसिक, आप ये चीज देखो, तो ये आपको जो आपका यहां पे एरो टर्मिनल डिनोट करता है वो बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर को, बट एक चीज और जो है वो ये इंडिकेट करता है। तो वो चीजें क्या है, वो है आपका फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, कि आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको ये दो ट्रांजिस्टर के बेसिक बताए, मैं जो कंसीडर करके चलूँगा वो चलूँगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्यों, क्योंकि 90% जो केसेस हमारे पास हैं, या 90% अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जब डिज़ाइनिंग ऑफ, जब हम किसी सर्किट की डिज़ाइनिंग करते हैं, आइदर वी कैन डिज़ाइन एन एम्पलीफायर और वी कैन डिज़ाइन अ स्विच, सो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि करंट बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, आपका जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, बाहर के साइड जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ज़्यादा प्रीफर यूज़ करते हैं। और गेन की भी बात होती है, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हम सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे अबाउट द गेन। क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का जो मेन पर्पस है हमारा वो है गेन के बारे में, हम गेन से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ते हैं, ठीक है, जो करंट गेन होता है। क्यों, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिक करंट बेस्ड डिवाइस है ना, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के कंडीशन में ही आता है। तो आपका बेसिक जो ट्रांजिस्टर हो गया वो क्या हो गया, एक करंट सोर्स पे डिपेंड करता है, सो दैट कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो करंट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब ये है हमारा बेसिक सिंबल, मैंने आपको बताया, टाइप बता दिया, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बात करूँगा, वो केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में किस तरह से वोल्टेज वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी सेम है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है बेसिक। अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ वो उसके लिए भी मैं वीडियो बना के लेकर के आऊँगा, ठीक है। बट अभी जो मैं फोकस करूँगा वो करूँगा एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखते हैं, ठीक है। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर, सो हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का अभी मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया था, और वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का था, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन क्या था, कुछ इस तरह का था। तो ये था हमारा इमीटर, एंड दिस वन इज आवर बेस, एंड दिस इज योर कलेक्टर। सो अभी मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी, एरो के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अब इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आगे के लिए। तो अब होता क्या है, बेसिक द फ्लो ऑफ करंट क्या होगा आपका, कि इमीटर टर्मिनल से हमेशा हमारा करंट आउट होता है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, करंट दैट इज़ आई ई, ठीक है। ये सब चीज़ें इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप बेसिक इस चीज़ पे कमांड रखना कि जो डायरेक्शन ऑफ एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे आप टाइप ना बता करके आप कोशिश करना वहाँ पे करंट के बारे में डिस्कशन करना, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है अबाउट द डिस्कशन ऑफ द करंट, ठीक है। वो इस चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं रखता है कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, वो इंटरेस्ट रखता है कि आप किस तरह से सर्किट को देख के समझ रहे हो कि करंट कहाँ जा रहा है हमारा, ठीक है। तो करंट हमारा यहाँ से आउट हो रहा है हमारा, ठीक है, करंट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। सो करंट अब आ कहाँ से रहा होगा, तो आ रहा होगा आपका कलेक्टर से, तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज कलेक्टर करंट, दैट इज कॉल्ड आई सी। बेस में करंट जा रहा होगा, दैट इज आई बी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, बेसिक करंट का डायरेक्शन हुए। अब आप पूछोगे सर करंट फ्लो किस तरह से कर रहा है, तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो करंट आपका इस तरह से डायरेक्ट फ्लो करेगा, ठीक है, और या तो एक करंट आपका इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी, या तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा या तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, है ना। तो दो चांस हैं हमारे पास करंट के फ्लो होने के। तो अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हम उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वोल्टेज को एज्यूम करेंगे, ठीक है, और वोल्टेज होगा भी वहीं पर, ठीक है। तो जैसे कि हमारा करंट यहाँ से फ्लो किया तो हम इसे बोलेंगे दैट इज प्लस और दिस इज माइनस, एंड प्लस माइनस वोट वी कहाँ से आ रहा है, सी और ई,
ठीक है, VCE हमारे यहाँ से करंट जा रहा है तो VCE, और अगर मैं सोचता हूँ कि करंट हमारा सेकंड वाले पाथ से जा रहा है तो ये हमारा प्लस होगा और ये माइनस होगा, और इसे हम बोलेंगे V कहाँ से जा रहा है, C से B तक, सो V CB होगा, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज है ना, ऑफ बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस, ठीक है। सो अब क्या हमारा हो रहा है, अब करंट वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, बेस टू इमीटर। सो बेस टू इमीटर जब फ्लो करेगा तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे और यहाँ पे माइनस लेंगे, और जब करंट हमारा बेस टू इमीटर फ्लो कर रहा है सो वी कैन से दैट द वोल्टेज ऑफ द टर्मिनल बिटवीन बी टू बेस टू इमीटर इज कॉल्ड वी बी ई, ठीक है। वी बी ई हमारा क्या होगा, बेस टू इमीटर का वोल्टेज होगा। और एक इक्वेशन आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, और आप उस चीज़ों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में समझोगे कि होता क्या है बेसिक, कि जो आपका इमीटर करंट होता है, ठीक है, इमीटर करंट दैट इज आई ई, सो आई ई इज अ करंट ऑफ सम ऑफ आई सी प्लस आई बी, ठीक है। सो आई सी प्लस आई बी, और ये कैसे आएगा, तो ये आएगा जब आप यहाँ पे KVL इक्वेशन अप्लाई करोगे, when you are applying the KVL equation then you got this result, okay। so तो अब क्या होगा, जब आप यहाँ से KVL लगाओगे तो ये result आपको मिलेगा। so एक अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे होगा क्या, कि if I am talking about the VCB, so VCB means what, so VC means this is a voltage of collector minus voltage of base, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, so and I am talking about the VBE that is base to emitter voltage, so VBE is equal to base voltage minus emitter voltage, and if I am talking about the VCE that is collector to emitter voltage, so VCE is equal to what, VC minus VE। So, ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, ये तीन इक्वेशन क्या है हमारे पास आ गए हैं। अब इस तीन इक्वेशन को अगर मैं देखता हूँ, सो इफ आई विल टेक अ KCL इक्वेशन, सो व्हाट हैपेंस, अगर मैं KCL इक्वेशन यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या होगा, तो KCL इक्वेशन मैं किस तरह से लगाऊंगा, तो लेट से कि अगर मैं एक लूप को एज्यूम करता हूँ, लेट से कि अगर मैं सी से ई तक लेता हूँ, सो अगर मैं सेकेंड इफ अप्लाई KCL सॉरी KVL अप्लाई KVL एट सेकेंड पॉइंट, अगर मैं सेकेंड में जब KVL को लगाता हूँ, KVL अप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ से तो करंट यहाँ प्लस टर्मिनल से एंटर कर रहा है, सो प्लस वी सी बी प्लस वी बी ई एंड वॉट, और अब देखो ये हमारा यहाँ से करंट यहाँ आ गया हमारे इमीटर के पास, है ना। अब कहाँ क्या हो रहा है, इसमें एक चीज़ और देखो, अब ये देखो करंट यहाँ से माइनस जा रहा है, मतलब इफ़ डायरेक्शन में करंट आ रहा है, हम इस वाले लूप से अगर चलते हैं तो हमारे पास जो टर्मिनल होगा दैट इज़ माइनस वी सी ई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो वी सी बी प्लस वी बी ई इज इक्वल टू वी सी, समझ रहे हो बात को, और अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो वी सी माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ई इज इक्वल टू वी सी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से कि वी बी से वी बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो आया रिजल्ट हमारा क्या, वी सी माइनस वी ई इज इक्वल टू वी सी ई, और आप जानते हो यहाँ पर कि VC minus VE जो होता है वो हमारा क्या होता है, देखो VCE minus जो होता है वो VC minus VE होता है। सो वही चीज़ यहाँ पे आ गया, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं 1 दे देता हूँ, सो मेरे पास देखो स्पेस कम थोड़ा आ गया, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन, सो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा क्या आ रहा है, वी सी माइनस वी ई इज इक्वल टू वी सी ई, एंड हम इस वाले टर्म को बोल सकते हैं कि वी सी ई इज इक्वल टू वी सी ई। तो आप देखो ये हमारा KVL इक्वेशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब क्या है कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो यहाँ पे क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ। सो ये हमारा बेसिक जो होता है अजम्पशन, जो चीज़ हम ले करके चलते हैं, जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है, अबाउट द NPN ट्रांजिस्टर। सो तो ये NPN ट्रांजिस्टर का बेसिक जो है एक इंट्रोडक्शन है, बोल सकता हूँ एक एनालिसिस है कि हम किस तरह से एक NPN ट्रांजिस्टर को एनालिसिस करते हैं,
क्या उसमें वोल्टेजेस होती हैं, क्या उसमें करंट होती हैं, किस तरह से हम उसमें KVL अप्लाई करते हैं। सो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं, क्योंकि देखो ये वीडियो हो चुकी है लंबी, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा डिस्कशन जो होता है वो कोशिश मैं करता हूँ कि कम से कम करूँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अबाउट द ट्रांजिस्टर और एनी टॉपिक, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनी टॉपिक, सो कोई भी टॉपिक के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी मैं डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकता कि चलो मैं इक्वेशन यहाँ पे ये एक सिंबल बना दिया, मैं ये सब पॉइंट नोट कर दिया, मैं ये इक्वेशन देख के आपको सेटिस्फाइड कर दिया। नहीं, एक्चुअली पर्पस क्या है कि एक एक स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम अ डिज़ाइनर देन यू नो अबाउट एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। सो आप जब इंटरव्यू वगैरह की भी प्रिपरेशन करते हो, किसी टेक्निकल इंटरव्यू में आप बैठते हो, तो वो चीज़ें डिस्कशन होती है, ठीक है, नो डाउट। बट आप इसे एनालॉग सर्किट में भी पढ़ते हो, बट होता क्या है कि आप जब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है स्टडी किए हुए। सो दैट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया अबाउट द NPN ट्रांजिस्टर। अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ चलूंगा लेकर के कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर फॉर NPN ट्रांजिस्टर। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉमेंट मी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।